राष्ट्र के सियासी परिदृश्य में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका ने फिर राज्यों में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कई ऐसे राज्यपाल हैं जब राज्यपाल के पक्षपात से हरियाणा के दिग्गज नेता देवीलाल इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने उन्हें थप्पड़ ही जड़ दिया। हरियाणा में साल 1982 का चुनाव हुआ था। 90 सीटों वाली विधानसभा में 36 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय लोक दल का बीजेपी से चुनाव से पहले से गठबंधन था। इस गठबंधन को 37 सीटें मिली थी, किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। अब ये राज्यपाल पर था कि वो किस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। तपासी ने तुरंत भजनलाल को बुलाया और मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और इससे देवीलाल बहुत नाराज हुए। वो अपने और बीजेपी के विधायकों के साथ राजभवन पहुँचे, उनमें और राज्यपाल के बीच विवाद होने लगा। ये विवाद इतना बढ़ गया कि ताऊ देवीलाल राज्यपाल की ठुड्डी पकड़कर बात करने लगे। तभी लोगों ने गुस्से में ताऊ को तपासी को एक थप्पड़ लगा दे देखा। हर कोई सन्न रह गया। अगर सुरक्षा गार्ड नहीं बचाते तो हालात और भी खराब होते। राज्यपाल के गार्ड तुरंत उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल ले गए, अन्यथा हालात और खराब हो सकते थे। इस थप्पड़ की गूंज बहुत दिनों तक भारतीय राजनीति में रही। न्यूज डेस्क।